हेलो दोस्तों, हमारे देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक तरफ तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ सरकार की सभी तैयारियों के बाद भी परेशानियां साफ जाहिर हो रही है। देश के लगभग सभी अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। हालात इतनी ख़राब है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो इस बीच ऑक्सीजन और बाकी दवाओं व इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जब हम लोग हवा में सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो इसी ऑक्सीजन रूपी हवा को सिलेंडर में भरकर मरीजों को क्यों नहीं दी जाती? आखिर हमारे चारों तरफ फैली ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है? इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी इतनी किल्लत क्यों है? दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धियां न मिली हो। हमारे चारों ओर मौजूद हवा में केवल 21% ऑक्सीजन ही होती है, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड अवस्था में खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किए जाते हैं। आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे है? मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन जैसी गैस होती है। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाए तो सभी गैस बारी बारी से तरल बनती जाएंगी और उन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। आखिर हमारे देश भारत में क्यों है इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी? कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। यह 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो गई। तेजी से बढ़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध है। यह महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, मगर अब 2 लाख मरीज रोज सामने आने से टैंकर कम पड़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए भी खाली सिलेंडरों की कमी है। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है? एक व्यस्क जब कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी रोज करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मेहनत का काम करने पर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ वयस्क 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। हर मिनट 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।